अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम SIP के बारे में बात करेंगे। क्या है SIP, क्या बला है SIP और कैसे हम SIP करते हुए फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। अब हम चलते हैं यहाँ SIP की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे सामने एक बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। ठीक है, अब इसको देखकर मैं आपको SIP समझाता हूँ क्या है। देखिए, SIP जो है ना वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब वो क्या बोला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, देखिए आप में से बहुत से लोग सैलरीड पर्सन होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। अब हर किसी के पास बड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन वो चाहता है कि यार मैं बड़ी अमाउंट एक ही कॉइन के अंदर, या मुझे पता है ये कॉइन बहुत अच्छा है, इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर में ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, आपको 30x, 20x आपकी या 50x भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है। लेकिन आप कहते हो यार अगर मेरे पास तो ये 1000 2000 से ज्यादा नहीं है या 10,000 हद, तो मैं इस किस तरह इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो उसके लिए ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक तारीख जो है वो डिसाइड कर लें, यानी कि आप 10 दिन में एक बार कर लें, या वीक में एक बार कर लें, या मंथ में एक बार कर लें, हर मंथ में एक बार कर लें, या हर मंथ में 3 बार आप कर लें। खैर, मुझे जैसे ही मेरी जो इनकम आएगी, सैलरी पर्सन जो है वो सैलरी पर्सन ये कह सकता है कि जैसे ही मुझे पहली तारीख को मेरी इनकम मुझे मिलेगी, तो मैं वहां पर हर मंथ एक बार जो है ना अपनी इस क्रिप्टो कॉइन के अंदर अपनी इनकम में से, अपनी सैलरी में से 1% या 2% जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं इतनी बड़ी तो अमाउंट नहीं कर सकता। अब वो 1-2% क्या बनता है उसका, तकरीबन 5 से 10 हजार बनता है, अब यूँ समझ लें। ठीक है, 5 से 10 हजार वो हर महीने जो है वो इन्वेस्ट करता है। अब वो क्या करेगा, मैं एक टाइम के लिए नहीं आ रहा, ये नहीं कि मैं 6 महीने के लिए आ रहा हूँ, 2 महीने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, वो कहता है कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, आज 2022 है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2024 2025 के बुलरन तक। मुझे पता है कि इस टाइम बुलरन आना है और हालविंग के बाद मुझे काफी अच्छा जो है वो मुनाफा होगा मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, जितना मैंने इतना सबर किया मुझे इसका फल मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, 2022 से लेके 2022 अप्रैल से लेके वो 2024 2025 के अप्रैल तक हर मंथ वो अपनी जब भी इसकी सैलरी आती है उससे 1 या 2% वो अपनी पर्टिकुलर जो क्रिप्टो करेंसीज उसने सेलेक्ट की हुई है 1 से लेके 10 तक जो भी है उसमें वो इन्वेस्ट करता जाता है। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, अब वो ये नहीं देखेगा कि मार्केट डाउन है कि अप है, उससे इससे कोई लेना देना नहीं। उसको पता है कि आज जो भी प्राइस चल रही है, बेशक मार्केट जो है वो 100% अप है या 100% डाउन है, लेकिन कल को फ्यूचर में जाके इसने मुझे 20x 30x एटलीस्ट 100 to 50x भी मुझे ये देख जाएगी इन्वेस्टमेंट, तो मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, कोई मेरा लेना देना नहीं कि आज मार्केट की कंडीशन क्या है। बस मेरा लेना देना ये है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या इसकी टीम वर्क कर रही है, इसकी टीम क्या है, इस प्रोजेक्ट के बैक एंड पे क्या है, ये क्यों है ये प्रोजेक्ट, तो ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक होती है मैनुअली, एक होती है ऑटोमेटिकली। जो मैनुअली होती है वो क्रिप्टो के अंदर होती है, आपको खुद जाके मंथली या आपने वीकली डिसाइड किया या 10 मंथ आपने 10 डेज का डिसाइड किया हुआ है कि आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और इस दिन ही मैंने इन्वेस्ट करनी है हर मंथ की। ठीक है, तो आप जाके खुद जाके वो कॉइन परचेज कर लेते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए होते हैं वो आपके स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर आ जाते हैं, तो उनमें आप जाके वो आप बैंक को आपने अलाउ किया होता है कि यार जैसे ही मेरी सैलरी आए आपने इसमें से 1-2% मेरे इन म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो या इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देना, तो बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वेस्ट कर देता, तो इससे कोई सरोकार नहीं होता। जैसे ये देखें मिसाल के तौर पर आप ये डेट है सितंबर 2020। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि यार ये जो डंप आया अब से मैंने जो है ना वो हर मंथ या हर वीक में एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, हम मंथ ले लेते हैं, सैलरी पर्सन स्टूडेंट जो है उनको मंथली मिलती है पॉकेट मनी, वो भी कर रहे हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है 10,000। अब वो कहते हैं यार मैं 2000 या 5000 तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जो हूँ हर मंथ 500 to 1000 जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी उसने वो कर लिया। ठीक है,
500 और से 1000 उसने एक डिसाइड कर लिए, और सैलरी पर्सन ने 5000 से 10000। अब वो यहाँ पर आएगा, इधर बाय करेगा, वो इधर बाय करेगा, हर मंथ में ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ऐसे वो परचेज करता जाएगा, ठीक है, करता जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं 2020 किया है, लेकिन मैं 2024 के अंदर जाके जो अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करूंगा, ठीक है। देखिए फिर ऐसे वो करता रहता है, इससे क्या हो रहा है, उसकी एवरेज जो है वो बेहतर होती जा रही है, वो लो में परचेज करता जा रहा है, प्राइस हाई जाती जा रही है, उसको कोई सरोकार नहीं है, प्राइस हाई जाए या डाउन जाए, ठीक है, प्राइस हाई जाए या डाउन जाए उसको कोई सरोकार नहीं, उसने हर हालत में परचेज करना है। अब वो इस हालत में जब परचेज करेगा उसको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होता जाएगा, क्यों, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउन से होती आ रही है, ठीक है, डाउन से होती जा रही है, हाई पे गई फिर डाउन गई तो फिर उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी जो एवरेज है वो बेहतर होती जा रही है और वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ रहा है। लेकिन इसमें एक गलती लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक टारगेट सेलेक्ट किया होता है, जैसे हमें 2024 के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर उससे पहले वो करें तो उनको लॉस होता है। कैसे, अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ से अब वो देख रहे हैं यार मार्केट डाउन आ रही है और मुझे पैसे भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर उनको तो लॉस होगा। अब आप कहते हैं यार नहीं, SIP तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत जरूरत आ गई और आपकी गुड लक ये है कि आपने एक पहले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आपने यहाँ से कहीं से इन्वेस्टमेंट शुरू करना किया है, और आप जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जिस मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रजिस्टर पे लिखते जा रहे हैं कि यार इस मंथ की मैंने इस डेट को इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उस टाइम इस कॉइन की करंट प्राइस ये चल रही थी और आज करंट प्राइस ये है। अब मिसाल के तौर पर आपने नवंबर को 2020 को जो है वो इस पॉइंट पे आपने परचेज किया, प्राइस चल रही थी 20,000, ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ गई है, अब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पे करंट हम प्राइस ले रहे थे 39,000 प्राइस चल रही है। अब देखिए आपने 20,000 में परचेज किया और 39,000 में प्राइस आ रही है, तो आप क्या है, ऑलरेडी प्रॉफिट है, हालांकि मार्केट बहुत डाउन आई हुई है, लेकिन आपकी एक SIP वो आपने यहाँ पे परचेज की हुई थी और आपने देख लिया मैंने इतनी अमाउंट परचेज उस टाइम मैंने स्पेंड की थी, इतनी इन्वेस्ट की थी और मुझे सिर्फ उतनी ही चाहिए और वो आज प्रॉफिट में है, तो आप वो रिडीम कर लें, ठीक है, अगर आप करना चाहें। लेकिन अगर वो आप, मैं कहूंगा आप रिडीम ना करें, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाली कहीं से इन्वेस्ट किया हो, यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट किया हो, यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो 60,000 7,000 पे, एक आपकी दूसरी SIP हो, तो फिर तो आप लॉस पे होंगे। लेकिन अब बहुत अच्छा जरूरत आ जाए और गुड लक हो आपकी कि आपने पहले कहीं लो प्राइस पे SIP की है, वो पर्टिकुलर प्राइस जो है वो आप रिडीम कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हैं यार ठीक है, SIP में हमें समझ आ गई कि हर मंथ ही हमने अपनी पॉकेट मनी से जो है वो इन्वेस्ट कर देने हैं, मंथ में एक बार ही हम ले लेते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप वीकली लें, मंथली लें, या आप 10 डेज में एक बार लें, मार्केट अप गई या डाउन गई या आपका कोई लेना देना नहीं, आपने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब कहते हैं यार ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन अब मैं प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करूं, उसका भी हल है। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इसको। अब मैंने यहां पर जो है ना, ये मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है Top 10 Coins की लाखों कमाने का मौका, यानी कि अगर आप ये जो मैंने कॉइन्स बताए ये है हाई मार्केट कैप के, हाई वॉल्यूम के, हाई प्राइसेस के, इनकी प्राइस बहुत अप है, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन कॉइन्स में कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं यार नहीं, मैं इनमें भी कर सकता हूँ लेकिन करूंगा, लेकिन मुझे एक छोटे कॉइन्स भी ज्यादा जो अंडर $100 हो, $10 अंडर हो, अंडर $1 हो, तो उसकी भी वीडियोस भी आ जाएगी। SIP की मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब SIP के अंदर एक चीज होती है DCA, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आप DCA करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो होती है ना वो चीज, वो होती है DCA, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो वो होती है SIP। DCA आपको अगर नहीं पता, लेकिन आपको बहुत जरूरी है DCA जानना, तो आप ये लाजमी वीडियो देखें, बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप DCA HN Global लिखिए, HN Global DCA लिखिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसको लाजमी से वॉच कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपने यहाँ पे परचेज किया, इस पॉइंट पे मार्केट डाउन चले गई, ठीक है, तो आपने यहाँ पे परचेज कर लिया, फिर आपने यहाँ पे परचेज कर लिया, ऐसे जब आपकी वापस इस पॉइंट पे आएगी तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, जब वापस फिर इस पॉइंट पे आएगा तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। हम लॉन्ग टर्म की एग्जांपल देख सकते हैं, आपने कोई कॉइन बहुत हाई प्राइस पर $10 पे परचेज कर लिया, अब ठीक है,
अब उसकी जो प्राइस है वो चल रही है 1 डॉलर या 2 डॉलर प्राइस चल रही है, आप क्या करोगे? जैसे मिसाल ले लेते हो, ये है 1 डॉलर, 1 डॉलर, ये है 10 डॉलर, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ये 1 डॉलर और ये इसको हम 10 डॉलर कंसिडर कर रहे हैं। अब आपने यहां पर परचेज किया, आपका परचेजिंग अमाउंट यहां पर है, अब आप क्या करोगे, 1 डॉलर प्राइस आई, अब यहां से आप परचेज करना स्टार्ट कर दोगे, SIP शुरू कर दोगे, 1 डॉलर पे, 2 डॉलर पे प्राइस गई, 2 पे, 3 पे गई, 3 पे परचेज किया, 4 डॉलर पे गई, 4 पे परचेज किया। अब इससे हो क्या रहा है कि जो आपकी जो बाइंग एवरेज है ना वो 10 डॉलर नहीं रही, वो आपकी 7 डॉलर बन गई है, ठीक है, वो आपकी 8 डॉलर बन गई है, वो आपकी एवरेज प्राइस, या आपकी वो 6 डॉलर आ गए। ऐसे जैसे ही आप निचली प्राइस से परचेज करते जाएंगे उसी टाइम जो है वो आपकी जो SIP, आपकी जो बाइंग रेंज है, अगर आपने अब से परचेज किया है तो वो डाउन होती जाएंगी, ठीक है, तो आपने ये चीज ख्याल रखना। अब इसके अंदर ना आपने 5 बातों का ख्याल रखना है। पहली आपने देखना, आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अगर डिसाइड कर लिया मंथली करनी है या वीकली करनी है या 15 डेज के लिए, हर 15 दिन में करनी है, तो वो आपकी जो है डेज फिक्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 8 डॉलर पे कर रहे हो या 10 डॉलर पे कर रहे हो, जो भी प्राइस चल रही है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी फिक्स होनी चाहिए। तीसरा क्या है, आपने सेम कॉइन में करनी है, ठीक है, सेम कॉइन, आप कोई से भी 10 कॉइन ले लें, आप 10 कॉइन ले लें, आपने उन 10 कॉइन में ही इन्वेस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर आपका जो बजट है वो मंथली का स्टूडेंट है आप, तो 1000 है आप, क्या करें वो 10 कॉइन के अंदर 100-100 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास 10,000 का बजट है, सैलरी पर्सन है, तो आप 1-1,000 हर 10 कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर ले, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी अच्छे 10 प्रोजेक्ट इस पकड़ लें, हाई वॉल्यूम वाले भी, लो वॉल्यूम वाले भी और मिड रेंज वॉल्यूम वाले भी, तीनों जो हैं वो कर लें। इसकी वीडियो आ दी गई, अभी मैंने हाई वाली मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, और ये हाई वॉल्यूम वाली आई है, मिड रेंज वाली भी आ जाएगी, लो वाली भी आ जाएगी, तो इंतजार कीजिएगा, ईजी वो होगी ना, आपको मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आपने उस चौथे पॉइंट पे क्या होगा, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, आपको सुकून मोल मीठे चोल आप जो है वो परचेज कर रहे हैं। पांचवा होगा, आप एनी टाइम विड्रॉल जो कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने विड्रॉल तो कर सकते हो लेकिन आपको इसमें नुकसान भी होगा, नुकसान से बचने के लिए मैं तरीका मैंने बता चुका हूँ, दोबारा वीडियो देख लें। तो ये थी वीडियो, साथ आपने मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा ट्विटर हैंडल HNGlobal11, इसको जितना हो सकता है दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर दूसरों के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।